नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस पर खास खबरें। आज की दो बड़ी खबरें पंचकुला शहर से आ रही हैं। क्राइम ब्रांच 19 की टीम ने हिस्ट्री शीटर कार चोर 30 साल के कुलदीप को गिरफ्तार किया है। इस चोर को व्हाट्सएप पर वायरल की गई फोटो के जरिए पकड़ा गया है। इसके पास से 15 गाड़ियां रिकवर की गई हैं। कुलदीप के खिलाफ गाड़ी चोरी, शीशा तोड़कर सामान चोरी करने के करीब 175 केस दर्ज हैं। कुलदीप दिसंबर में एक चोरी के मामले में जेल से बाहर आया था। बाहर आते ही उसने कई गाड़ियां चोरी की। अभी तक 15 गाड़ियां चोरी कर चुका है। एक मिनट में गाड़ी चोरी करने में कुल 1.5 मिनट लगता था। तार से उसका लॉक खोलता था, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके ले जाता था। अंबाला के मोहन नगर के रहने वाले कुलदीप के परिवार में कोई नहीं है। उसने ज़्यादातर मारुति 800, ऑल्टो, स्विफ्ट, वरना गाड़ियाँ चोरी की हैं। गाड़ी चोरी करने के बाद कुछ दिन अपने पास रखता था। उसके बाद उसे यूपी ले जाकर 10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये में बेच देता था। गाड़ी बेचने से पहले दूसरी गाड़ी को चोरी जरूर करता था। कुलदीप पर यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, हिसार, पंचकुला सहित कई जिलों में केस दर्ज हैं। सबसे पहले कुलदीप ने 2003 में गाड़ी चोरी की थी। ये एक कार चोरी का मैटर है जी, जिसमें कुलदीप नाम का चोर है और इसको कालका से गाड़ी चोरी की थी। उसमें पहले अरेस्ट किया था जी, जो उसमें हमने इनको 5 दिन का रिमांड पे लिया था जी जी, जो उसमें गाड़ी अल्टो गाड़ी थी जी जी, उसको रिकवर किया गया। तो सब इस पर अब तक कितने FIR दर्ज हैं? इसके खिलाफ अब तक 185 FIR का पता लगा, जो उसने बताया 185 FIR दर्ज है, जिसमें कार चोरी की भी है और शीशे वगैरह तोड़ के उसमें गाड़ियों सामान भी। अच्छा, तो सर इसको कल कोर्ट में दोबारा से पेश करेंगे? कोर्ट में आज इसका दोबारा रिमांड लिया गया है। इसमें ममता देवी से हमारी गाड़ी चोरी है, संबंध में इसका रिमांड लिया गया, उसमें भी गाड़ी चोरी है। और सर ये आपका नाम और क्या डेजिग्नेशन बता दीजिए जी? आपका नाम और डेजिग्नेशन क्या है अपनी? इंस्पेक्टर करमवीर, क्राइम ब्रांच मंडी पंचकूला से। इसके काफ़ी वारदातें जैसे कुरुक्षेत्र की भी हैं, यमुनानगर की भी हैं जी, और शाहबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाड़ा जी, और काफ़ी। और दूसरी बड़ी खबर यह आ रही है कि अलाउड सोर्सिंग पॉलिसी के तहत NSQF प्रोजेक्ट के तहत लगे वोकलेशन टीचर्स को शिक्षा विभाग में मर्ज करने की मांग को लेकर धरना स्तर पर वोकलेशन टीचर्स इकट्ठा हुए। पंचकुला शिक्षा सदन के घेराव की तैयारी कर रहे थे। थाना प्रबंधक सेक्टर 5 व ड्यूटी मजिस्ट्रेट राजीव कुमार मौके पर पहुंचे। वोकलेशन टीचर्स को DSP से मिलाने का भरोसा दिलवाया, जिसके बाद टीचर्स ने घेराव किया। वोकलेशन टीचरों को 10 सदस्य प्रतिनिधि मंडल, थाना प्रबंधक सेक्टर 5 व ड्यूटी मजिस्ट्रेट राजीव कुमार DSO के साथ शिक्षा सदन में DSP के मिलने के लिए गया। टीचर्स ने साफ कह दिया कि मांगे पूरी नहीं हुई तो कल CM आवास पर घेराव करेंगे। पे बैठे हैं आज से, तो किस डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं और आपका नाम भी बता दीजिए? मैं अनूप ढिल्लो, राज्य महासचिव, वोकेशनल टीचर एसोसिएशन हरियाणा से। हम हरियाणा के सरकारी स्कूलों में स्किल एजुकेशन के लिए हम वोकेशनल टीचर है। 2300-2200 वोकेशनल टीचर पूरे हरियाणा में लगे हुए हैं। हम प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से स्कूल में लगे हैं। पिछले 5 वर्षों से हमारी कोई भी सैलरी नहीं हो रहा, कोई भी मांग पूरी नहीं हो रही है। पिछले साल हमने बहुत बड़ा धरना किया था। हमारी 3 मांगें जिसमें प्रमुख थी, सैलरी बढ़ोतरी की है जिसकी फाइल पास हो चुकी है, फिर भी डिपार्टमेंट आगे से आगे बढ़ा करके उसको लागू नहीं कर रहा है। दूसरा ये था प्राइवेट कंपनियों को हटा करके हमारे शिक्षा विभाग में मर्ज किया जाए, जिसमें हमारे पहले से ही कुछ वोकेशनल टीचर साथी काम कर रहे हैं, उन्हीं की तरह पर हमको लागू किया जाए। और तीसरा हमारा जो पोस्टें तोड़ी गई है, पिछले साल हमारी 400-500 पोस्टें तोड़ी गई सेकेंड वोकेशनल टीचर की, उसको संख्या के आधार पर बहाल किया जाए। तीसरा हमारी ये डिमांड, चौथे हमारी ये डिमांड है, समान काम समान वेतन लागू किया जाए और हमारी सभी मांगों को पूरा किया। आपकी मांगे नहीं मानी तो आगे क्या रहेगा? आज हमारा सर शिक्षा सदन का हम घेराव करेंगे। अगर उसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती, कल CM हाउस का हम घेराव करेंगे। और आगे यह अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती तब तक 2600 वोकेशनल टीचर पूरे हरियाणा में वो आ करके यही डटेंगे और जब तक अपना धरना समाप्त नहीं किया जाएंगे। अब की बार करो या मरो का नारा दिया गया है और आर पार की रणनीति है और पूरी मांगे पूरी करवा करके ही यहाँ से